क्लबिंग, अब जो क्लबिंग है ना, एक तो क्लबिंग के लिए एक तो वो ऐसे करके ट्राइंगल बनाते हैं, आई डोंट लाइक बेसिकली, कैन यू सी थ्रू इट, शर्मोक साइन कहते हैं इसको, कैन यू सी थ्रू इट, इसका मतलब है कि एंगल लॉस नहीं हुआ, एंगल लॉस नहीं हुआ तो यू कैन सी अ ट्राइंगल, आप तो खुद भी देख सकते हो ऐसे करके, देयर इज अ ट्राइंगल, तो एक, लेकिन दैट इज सम टाइम वेरी डिफिकल्ट, मरीज नु समझाना सारा दिन एंजी एंजी उधर एंजी कर ले कार्ड में नहीं बता तांगा है यहां पर इस पर क्या। दूसरा जो है ना कार्ड, कार्ड इज मोर, ऐसे कार्ड नहीं रखना, मैं शेख जहर में आधा बंदा फेल करके आया हूं, ऐसे कार्ड खड़ा करना होता कार्ड, कार्ड ये सिर्फ ये, नाउ कैन यू सी थ्रू, यस अपना हाथ पे रख ये, कैन यू सी थ्रू, जी सर, ठीक है जी सर, अगर तो इफ यू कैन सी थ्रू इट, आई कैन यू सी थ्रू इट, ये नीचे से छोटा सा होल लग रहा है, इसका मतलब है कि ये एंगल लॉस नहीं हुआ, एंड दैट इज द फर्स्ट ऑफिशियल साइन क्लबिंग का, लॉस होना एंगल, ऐसे नहीं रखना, ऐसे भी कई लोग रखते हैं, लेकिन ये ऐसे फिर वो बहुत ही, ये एक कार्ड खड़ा होना मुश्किल है, फिर आपको प्रॉपर नज़र नहीं आता, यू नो कि लादा दिस इज द वे टू कीप द कार्ड क्लबिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल साइन है क्लबिंग इन कार्डियोवास्कुलर, एट्रियल मिक्सोमा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और आइजनमेंजियर कॉम्प्लेक्स, तीन कंडीशंस हैं जिसके अंदर क्लबिंग हो जाएगी कार्डियोवास्कुलर के अंदर, ये क्लबिंग, उसके बाद आपके हैंड्स के ऊपर कार्डियोवास्कुलर पे कुछ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के फिजिकल साइंस होते हैं, एक जनरली मिलते मुलते कोई नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, उसमें क्या है वो नोड्स हैं, ऑस्लर नोड्स यहाँ पर होते हैं, टिप पे यहाँ पे नोड्स बना होगा, पेनफुल नोड्स होता है ऑस्लर नोड, यहाँ पे ना सेंटर में लियन होती है पामर एरिथीमा की तरह, उसको कहते हैं जेन वे लियन, पामर एरिथीमा तो इधर होता है ना, पामर एरिथीमा किधर होता है, इधर और इधर, ये सेंटर में होती है जेन वे लियन, और सॉरी क्लबिंग के साथ यहाँ पे स्प्लिंटर हैमरेज, ये मेल बेड है इसके नीचे कोई हैमरेज नज़र आ रहा है, स्प्लिंटर हैमरेज, क्लबिंग, ऑस्टर नोड्स, जेन वे लियन, ये आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, और उसके बाद आपने इसकी पल्स चेक करनी है और ब्लड प्रेशर जो है ना वो देखना है, तो इसके बाद आपने पैलेट ऊपर देखो, ये पैलेट इस तरीके पैलेट देखना है, यूँ हाथ रख के ये दोनों ऊपर देखें, ये पैलेट होगी, नीचे देखें ये दोनों, ये जॉइंटस होते हैं, अब जॉइंटस कार्डियक डिजीज में क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर राइट हार्ट फेलियर होगा तो अल्टीमेटली कंजेस्टिव पैथोलॉजी होगी, जॉइंटस होगी, अगर पैलर सीरियस में इंपॉर्टेंट यह है कि अगर एनीमिया होगा तो उससे एनीमिया से टैकीकार्डिया, उससे हार्ट फेलियर, उससे फंक्शनल मर्मर, जो हाइपर फंक्शनल मर्मर आ तो एनीमिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सम टाइम यू नो कॉर्नियल आर्कस भी नज़र आता है, कॉर्नियल आर्कस एज रिलेटेड या सम टाइम अगर डिसलिपिडेमिया की फैमिली हो तो कॉर्नियल आर्कस वो आपको इनडायरेक्टली एविडेंट करेगा कि पेशेंट को कॉर्नियल आर्क की डिजीज तो नहीं है, ठीक। इसके बाद आपके माउथ भी खोलें, जबान ऊपर करें, और साथ ही आपको टॉर्च आपके पास होनी चाहिए, और आप देखें अंडर सरफेस ऑफ दी टंग पर्टिकुलर और साइनोसिस, पैलर को भी कंफर्म कर सकते हैं, जॉइंट्स को भी कंफर्म कर सकते हैं, तो इसके बाद फिर आप नेक पे आ जाए, और नेक पे आप जो है वो जेल की जो सारी वॉशेज की बात करें, क्लबिंग चेक करें, क्लबिंग का एक से दो फिंगर ज़्यादा कंफर्टेबल
हॉस्टल नोट हॉस्टल नोट देखेंगे